Dear students, in this module, we are going to discuss institutionalized political change, rebellions, and revolutions. Political change refers to the process by which political institutions and systems are transformed over time. Institutionalized political change involves gradual, non violent reforms of political systems and institutions. आफ्टन थ्रू द मेकनिज़म्स ऑफ डेमोक्रेटिकलेक्शंस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट जब हम पोलिटिकल चेंज की बात करते हैं तो इसके अंदर मुख्तलफ़ तरीके अपनाए जाते हैं कि माशरों के अंदर पोलिटिकल तब्दीलियाँ या पॉलिसी रिफॉर्म्स जो हैं वो किस तरह से मुमकिन हैं चूँकि जो मैसेज होती हैं वो अपने एग्जस्टिंग पोलिटिकल स्ट्रक्चर से सेटिसफाइड नहीं होती हैं इस वजह से वो पोलिटिकल चेंज चाह रही होती हैं उनके ख्याल में जो एग्जिस्टिंग सेटअप होता है वो उनको एडिकेटली उनकी डिज़ायर्स या उनकी विशेज़ के मुताबिक जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा होता तो पोलिटिकल चेंज लाने के जहाँ बहुत से तरीके हैं वहीं पर उसके बहुत से मकासद भी हैं एक तरीक़ा जो है वो पोलिटिकल चेंज का वो ये है कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज पोलिटिकल चेंज होती है जो कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जैसे देखते हैं के कंट्रीज़ के अंदर इलेक्शन कॉल किए जाते हैं और उन इलेक्शंस की बुनियाद के ऊपर जो है एक पार्टी की जगह पे दूसरी पार्टी आ जाती है इसी तरह से जो पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं उनके ज़रिए भी पॉलिटिकल चेंज लाई जा सकती है कि अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से लोग या मैसेज जो हैं वो सेटिसफाइड नहीं हैं तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं एहतजाज करते हैं और तब तक उनका एहतजाज जारी रहता है जब तक के एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रिप्लेस नहीं हो जाती सो इन पाकिस्तान इफ यू सी दैट द इंस्टिट्यूशनलाइज पॉलिटिकल चेंज हैज़ अकर्ड थ्रू ट्रांजिशन फ्रॉम मिलिट्री डिक्टेटरशिप टू सिविलियन डेमोक्रेसी एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रिबेलियंस ऑन द अदर हैंड आर फॉर्म्स ऑफ पोलिटिकल चेंज दैट इन्वॉल्व रेजिस्टेंस अगेंस्ट एग्जिस्टिंग पोलिटिकल अथॉरिटीज आफ्टन थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल और वायलेंट प्रोटेस्ट तो पोलिटिकल चेंज के जब पीसफुल मेकनिज़म्स जो हैं वो अगर फंक्शन ना करें तो फिर रबेलियस फॉर्म ऑफ पोलिटिकल चेंज जो है लोग उसकी तरफ रागब होते हैं ये मजबूर हो जाते हैं बाज़ात ये ज़्यादातर बल्कि ये वायलेंस की फॉर्म के अंदर होता है और इसमें लोग जो है वो यूज़ ऑफ वेपन भी करते हैं हथियारों हथियारों का इस्तेमाल भी करते हैं तो रिबेलियन जो हैं वो भी एक पॉलिटिकल चेंज का बास बनती हैं लेकिन ये है कि इस तरह के वाक़ जो हैं इंसानी तारीख़ के अंदर नस्बता जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ पोलिटिकल चेंज है उसकी नस्बत हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम देखें तो रेबेलियंस है करड इन वेरियस रीजनस इंक्लूडिंग बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक एंड पशतून तहफ़ मूमेंट रेवोल्यूशन ऑन दी अदर हैंड आर फॉर्मस ऑफ पोलिटिकल चेंज दैट इन्वाल्व तो आ कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलिटिकल इंस्टीट्यूशनस एंड सिस्टम्स आफ्टर थ्रू वायलेंट मीनस तो चूँकि रबेलियन जो है इसमें तो ये होता है कि एक फॉर्म ऑफ गमेंट जो है उसको रिप्लेस करने के लिए यूज़ ऑफ फोर्स या ताकत का सहारा लिया जाता है जिससे जो है उसी सेटअप के अंदर तब्दीली लाई जाती है ऑन दी अदर हैंड जो रिवोल्यूशन होते हैं उसमें आपका ओवरऑल ना सिर्फ के पोलिटिकल ज, आ, आपकी एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज होती है बल्कि पूरा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है और ना सिर्फ के न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है बल्कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है तो रेवोल्यूशनस जो हैं वो हिस्ट्री के अंदर बहुत रेयर हैं बहुत फेमस एग्जाम्पल जो है वो सेवनटीन के फ्रेंच रेवोल्यूशन की है जिसके अंदर जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जिसके जिसको जो है अप्रूव करके तो न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाया गया सो इन पाकिस्तान देर हैव बीन सेवरल अटैम्प ऑफ रेवोल्यूशन इंक्लूडिंग जियाउल हक्स कू फॉर इस्लामाइजेशन परवेज मुशर्रफ्स एंड लाइट एंड मॉड्रेशन एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज पार्टीड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन द नाइनटीन सेवेंटीज़ सो अंडरस्टैंडिंग द ऑफ दिस पोलिटिकल चेंज इज असेंशियल फॉर एनालाइजिंग द चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज फेसिंग Contemporary societies, as well as the potential for social and political transformation.